नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी लोक निर्माण विभाग में भर्ती संबंधित बड़ी सूचना आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो कि युवाओं में काफी ज्यादा उत्साह भी भरने वाली है। खबर चाहे जो भी हो, युवाओं में एक उम्मीद जरूर भर के जाती है नौकरी संबंधित जब भी कोई खबर आती है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। सबसे पहले यहाँ पर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको दे देता हूँ कि आज की वीडियो में हम जानने क्या वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे कि कितनी पोस्ट जो है वो यहाँ पर आने वाली है हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में। शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, आयु सीमा क्या रहने वाली है, सैलरी पैकेज क्या रहने वाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपकी सिलेक्शन कैसे होगी, आपको आवेदन कैसे करना है। ठीक है, सब कुछ आज की वीडियो में बताने वाला हूं, जरा भी स्किप मत करना। चलिए जान लेते हैं आगे इन सभी के बारे में विस्तार से। सबसे पहले अगर हम बात करें कुल पोस्ट की, तो यहाँ पर 5000 के करीब जो है ये पद आपके भरे जाने हैं। और 5000 करीब इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पर अगर आप कार्य की बात करते हैं तो सड़क का रखरखाव, ठीक है, बहुउद्देश्य कार्य रहता है, सड़क का रखरखाव इसमें रहता है। जैसे आप देखते ही हैं सड़क में जो आपके पास रखरखाव रहता है, चाहे वो कोई भी वर्क हो, ठीक है, सड़क से रिलेटेड, ठीक है, सड़क की साफ सफाई रखना या जो आपके पास ड्रेनेज वर्क्स बने हुए हैं सड़क के किनारे, उस तरह की बहुत सारे यहाँ पर काम जो इसमें इंक्लूड हैं, तो आपको जो है बहुउद्देश्य कार्य इसमें करना पड़ेगा। कुल पोस्ट 5000 हैं, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 8वीं और 10वीं इसके लिए रखी गई है। 8वीं और 10वीं जो है एज पर आपके पास जो है वो आपके पास डेजिग्नेशन क्या रहेगी उसके हिसाब से आपको जो है वो नोटिफिकेशन में बता दिया जाएगा। इसके अलावा आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक जितने भी युवा हैं, ठीक है, 45 वर्ष तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, 18 वर्ष इसके लिए मिनिमम रहनी चाहिए, 45 वर्ष ज्यादा से ज्यादा रहनी चाहिए। सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी दैनिक वेतन 10,000 से 12,000 तक मासिक वेतन आपको यहां पर मिलेगा, ठीक है। मासिक वेतन की बात करते हैं तो 10,000 से 12,000। अब यहां पे दैनिक वेतन की बात क्यों की गई, क्योंकि यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर आपका सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि यह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, रेगुलर बेसिस पे, या फिर किस बेसिस पे है। तो मैं आपको बता दूं कि आईपीएच की तर्ज पर यह भी पैरा बेसिस ही भरी जाएंगी, ठीक है, डेली बेसिस आपको यहां पर दी जा सकती है। तो दैनिक वेतन इतना रखा गया है, बाकी पैरा बेसिस पे है तो आपको जो है फिलहाल के लिए जो है वो कम वेतन भी दिया जा सकता है, ठीक है, 5000 तक भी दिया जा सकता है, 6000 तक भी दिया जा सकता है, बट फिलहाल के लिए इतना रख लीजिए आप कि दैनिक वेतन अगर ये रहेगा तो 10000 से 12000 तक इसमें आपको जो है मासिक पे मिल ही जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है यहां पर आपके पास, जो आपके पास शैक्षणिक योग्यता एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, चाहे आपके पास वर्क क्या रहेगा, आयु सीमा क्या रहेगी, सैलरी क्या रहेगी, और साथ में मैंने ये बता दिया। अब आपको जो है आवेदन, देखिए आवेदन की अगर हम बात करते हैं तो अभी तक इसके लिए जो है वो जो आपके पास रहता है रिक्रूटमेंट नोटिस वो इश्यू होना है, बट यहाँ पे सूचना तो आई जाती है। तो ये सूचना जो है जारी की गई है कि 5000 के करीब जो है पद ये भरे जाएंगे। इस ये 5000 के करीब जो पद है ये विभिन्न विभिन्न तरह की जो आपके पास कैबिनेट मीटिंग्स हुई है उसमें भी यहाँ पर जो है वो मंजूरी मिली थी लास्ट ईयर से, ये कुछ बना जो है बताया जा रहा था। तो अब जो है ये आस लगाई जा रही है कि जल्दी इसके लिए आपको जो है रिक्रूटमेंट नोटिस भी देखने को मिलेगा। तो शैक्षणिक योग्यता मैंने आपको बता दी 8वीं 10वीं, और जैसे इसके लिए रिक्रूटमेंट नोटिस जारी होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि अभी जो जितने भी पीडब्ल्यूडी विभाग में जो कर्मचारी थे, बेलदार थे, उनके जो है वो रिटायरमेंट हो रही है, तो ऐसे में सबको जो है कॉन्ट्रैक्टर के पास चला गया है, जबकि कॉन्ट्रैक्टर के पास उतनी क्वालिटी जो है नहीं मिल पाती है जो कि क्वालिटी एक सरकारी तौर पर मिलती है, इसीलिए जो है इन पदों को भरने की कवायद जो है वो शुरू की गई है और मांग भी की गई। तो ऐसे में आप जो है वो तैयार रहें, जल्दी इसके लिए आपको जो है रिक्रूटमेंट नोटिस देखने को मिलेगा। पैरा बेसिस पे ये भरे जा सकते हैं या फिर डेली बेसिस पे भरे जा सकते हैं, ये डिपेंड करेगा नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सैलरी पैकेज मैंने आपको बता दिया, सब कुछ बता दिया, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो ऐसी वीडियोस के हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है इसके बारे में सूचना मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।